हम आज तक अपनी धरती से बाहर किसी भी तरह की लाइफ को नहीं खोज पाए हैं, लेकिन अब अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाएगा। Scientists from the European Space Agency are putting the final touches to a pioneering mission to Jupiter's icy moons in the hope of finding signs of primitive life. क्योंकि अब इंसान अपने करीबी प्लैनेट्स और मून्स जैसे चांद और मार्स को अच्छे से समझ चुका है, लेकिन धरती से बहुत दूर जुपिटर और उसके तीन मून जहां पर पानी और मे बी लाइफ भी मौजूद है, हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बट वो कहते हैं ना कि कोई भी सिविलाइजेशन अपनी ग्रोथ की सीढ़ियां धीरे धीरे ही चढ़ती हैं। इसीलिए आफ्टर दिस मच ऑफ वेट पूरे 19 साल की मेहनत के बाद जूस मिशन यानी JU फॉर जुपिटर आइस मून मिशन जो अब लॉन्च होने की कगार पर आ चुका है, और ये मिशन एलियन लाइफ को जरूर खोजेगा। ऐसा मैं नहीं, कई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, और वो ये भी बिलीव करते हैं कि ये मिशन बरसों से पूछे गए कई अहम सवालों का भी जवाब देगा कि क्या हम सोलर सिस्टम में अकेले हैं, क्या अर्थ के बाहर भी लाइफ मौजूद है। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, मैं हूँ कृष्णा, और आज से एग्जैक्टली 425 ईयर्स पहले जब टेलीस्कोप की खोज भी नहीं हुई थी, तब एक महान इंसान एस्ट्रोनॉमर फिजिसिस्ट या इंजीनियर गैलीलियो गैलीली दिन में सभी प्लैनेट्स की स्पीड और प्लेसेस को जमीन पर ड्रॉ करते रहते थे और अपनी इनफिनाइट इमेजिनेशन में खोए रहते थे। लेकिन साल 1609 में जैसे ही हॉलैंड में दुनिया की फर्स्ट दूरबीन बनी जो दूर दराज के प्लैनेट्स को देख सकती थी, तो गैलीलियो की नींदें ही जैसे उड़ गई हो और वो पूरे दिन इस दूरबीन के बारे में सोचते रहते कि काश वो दूरबीन मेरे पास होती। लेकिन जहाँ पर एक दिक्कत थी कि उस समय उस दूरबीन को हॉलैंड से मंगवाना कोई मजाक की बात नहीं थी। मगर फ्रेंड्स, इन्होंने भी हार नहीं मानी और उस दूरबीन को बनाने के प्रोसेस को ही समझना शुरू कर दिया। और गेस व्हाट, उन्होंने हॉलैंड वाली दूरबीन से भी ज्यादा एडवांस और 20 गुना ज्यादा पावरफुल दूरबीन बना ली, और फिर 16 जनवरी 1610 में उसे सीधे स्पेस की गहराइयों की तरफ पॉइंट कर दिया। और देखते ही देखते उनके सामने ये अनोखा सा प्लेनेट जुपिटर आ जाता है जिसके अराउंड उन्हें 4 सेलेस्टियल बॉडी घूमते हुए दिखाई देती है। एंड यू गेस्ड इट राइट, ये थे जुपिटर के मून Io, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही समय था जब पूरी दुनिया जियोसेंट्रिक मॉडल पर बिलीव करती थी, यानी वो सूरज को नहीं बल्कि धरती को इस ब्रह्मांड का सेंटर मानती थी। और गैलीलियो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल प्रूफ्स और फैक्ट्स के साथ दुनिया को ये बताने की कोशिश की थी कि ये दुनिया एक्चुअल ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है। लेकिन इनकी इतनी ज्यादा कोशिश का इनाम इन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट के रूप में मिला, और उन्हें सन 1633 में उनकी डेथ तक हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जहाँ पर वो यही सपने देखते रहते कि क्या जुपिटर के उन मून्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और सन 1642 में वो सैडली इन सभी सवालों का जवाब जाने बगैर ही इस दुनिया से चल बसे। लेकिन अब इनके इन्हीं सवालों का जवाब आज 400 साल बाद जुपिटर आइस मून मिशन देगा, जिसे कई साल की मेहनत के बाद फाइनली 13 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें यूज होने वाले स्पेस क्राफ्ट को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा ने बनाया है, जिसमें एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस की मदद ली गई है। लेकिन ये प्राइमरीली एक यूरोपियन स्पेस मिशन है जिसे कोर फ्रेंच गुआ से एरायन 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जो 10 डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस में लेकर जाएगा, जो अब तक का सबसे एडवांस साइंटिफिक पेलोड होने वाला है। और इन सभी चीजों के साथ ही अर्थ और वीनस की ग्रेविटी से स्लिंग शॉट लेते हुए सीधा जुपिटर की ओर बढ़ जाएगा, जहां ये लगातार 8 साल तक गहरे अंधेरे से भरे स्पेस में ट्रेवल करते हुए 2031 में जुपिटर के पास पहुंच जाएगा, जहां फिर ये जुपिटर के फ्रोजन वर्ल्ड यानी उसके मून को स्टडी करना शुरू कर देगा। और फ्रेंड्स, मजे की बात तो ये है कि जुपिटर के इन दो मून्स यूरोपा एंड गैनीमेड में धरती से भी 8 गुना ज्यादा पानी मौजूद है, जहां पर डेफिनेटली एलियन लाइफ मौजूद है। वेल, ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा और कैलिस्टो की बर्फीली दुनिया की स्टडी करेगा और ये पता लगाएगा कि वहां पर क्या कोई एलियन लाइफ जिंदा है। और इन दोनों मून के बाद ये गैनीमेड की स्टडी करेगा और फिर करीब 2.5 साल तक जुपिटर के चक्कर लगाएगा। वेल फ्रेंड्स, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव इस सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की फॉर्मेशन को समझना है और ये पता लगाना है कि लाइफ किस किस तरह के एनवायरनमेंट्स में पनप सकती है। ये मिशन सोलर सिस्टम को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को तो बहुत बढ़ाएगा ही, और शायद फर्स्ट एवर एलियन लाइफ को भी ये खोज ले। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पर लाइफ मिलेगी या नहीं? लिखो अपना जवाब कमेंट में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अभी एक थम्स अप दो, और अगर आप साइंटिफिक मंत्रा पर एक नए व्यूअर हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस आती रहती हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट साइंस वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।